A glorious victory for democracy in the country as anti-corruption crusader Anna Hazare broke his 97-hour-long fast. He led from the front. One man's courage and an entire nation's belief that made the government come under pressure, buckle under pressure, and issue a formal notification on the anti-corruption Lokpal bill. But clearly, as Anna Hazare said, the fight has just begun. Even as Anna Hazare broke his fast, there were celebrations across the country. Each part of the country with Indians celebrating the moment that the fight against corruption has moved to a new level. आज मैं अनशन छोड़ा है, उसका कारण सरकार ने, सरकार के पास जो मांगे थी वो सरकार ने आज पत्र निकाल कर पूरा किया है। विशेष तौर पर इस आंदोलन में जो युवा शक्ति शामिल हुई है वो बड़ा आशा का किरण है। पूरे देश में जो युवक खड़ा हो गया ये एक आशा का किरण से, क्यों युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है, वो जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं इस देश का, इस समाज का। तो मैं जो युवकों ने इसमें हिस्सा लिया और देश के लिए जो प्रेम दिखाया उन युवकों के लिए धन्यवाद करता हूँ। लोकपाल बिल ये मसूदा बन गया, ड्राफ्ट बन गया। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, बहुत बड़ा लंबा ऐसा रास्ता हमें तय करना है सही आजादी के लिए। तो इसमें आज मसूदा सरकार ने बनाया जीरो निकालकर, अभी हमें लोकपाल का पूरा ड्राफ्ट बनाना है।